मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड, बेटा निकटता सूची शब्दों का परिवर्तन। निकटता सूची शब्दों का परिवर्तन का क्या करना भैया? आज हम लोग निकटता सूची शब्दों का परिवर्तन देखेंगे। तो बेटा नोट करिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में कहां पर बेटा? रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निकटता सूची शब्दों को, निकटता सूची शब्दों को दूरस्थ शब्दों में बदल दिया जाता है। बेटा एक छोटा सा जनरल सी बात इन्होंने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निकटता सूची शब्दों को दूरस्थ शब्दों में बदल दिया जाता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, तो हम इसको अरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन किस में बदलेगा। तो देखते हैं बेटा। हाँ तो बेटा शुरू करते हैं कि क्या कहते हैं, कौन कैसे बदलेगा। जैसे बेटा इसमें है एगो, क्या है? ए जी ओ, यगो को बदल देते हैं, यगो को बदल देते हैं बिफोर में। किसमें बेटा? यगो को बदल देते हैं हम लोग बिफोर में, ठीक है ना। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको यगो दिखाई देता है तो आप उस यगो को बिफोर में बदल देंगे, ठीक ना। हाँ बेटा, अगर क्या कहते हैं वंस आता है तो उसे आप देश में बदल देते हैं, सॉरी हेंस, एच ई एन सी, हेंस को बदल देते हैं देश में। कम को बदल देते हैं गो में। हियर को बदल देते हैं डियर में। दिस को बदल देते हैं दैट में। दीज को बदल देते हैं दोज में। नाउ को बदल देते हैं देन में। टुडे को बदल देते हैं दैट डे में। टू नाइट को बदल देते हैं दैट नाइट में। क्लियर हो रहा है बेटा? टू नाइट को हमने बदला दैट नाइट में, और टुडे को हमने बदला दैट डे में। आगे बढ़ते हैं बेटा, डियर को हम लोग बदलते हैं डियर में, हो गया है, नोट कर लीजिए। दस को सो में, टी एच यू एस
दश को बदलते हैं शो में, एस्टरडे को बदलते हैं, बेटा एस्टरडे बीत गया है, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में, बेटा जो प्रीवियस डे होता है उसे हम लोग द डे बिफोर भी कहते हैं, द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में। यस्टरडे आपका बदला प्रीवियस डे या द बिफोर में। अब बेटा क्या कहते हैं आप नोट करते चलिए, हम लोग आगे देखते हैं। टुमारो आपका बदलेगा मैं गलत लिख रहा हूं क्या टुमारो एक मिनट टुमारो आपका बदलेगा आने वाला है द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। आपका टुमारो बदला द नेक्स्ट डे में या फॉलोइंग डे में बदल गया। बेटा आता है लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक। लास्ट ईयर आया, लास्ट डे आया, लास्ट वीक आया, तो बेटा हम लोग इसे बदल देते हैं द प्रीवियस नाइट में, इसे बदलते हैं द प्रीवियस नाइट और लास्ट डे को बदलते हैं द प्रीवियस डे में, लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर में, लास्ट मंथ को प्रीवियस मंथ में, लास्ट वीक को प्रीवियस वीक में हम लोग बदल देते हैं। फैक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि कहां पर हम किस चीज को बदलेंगे। तो आगे चलते हैं बेटा, अगर आ रहा है नेक्स्ट वीक, क्या आ रहा है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो इसको हम बदलते हैं द फॉलोइंग वीक में, द फॉलोइंग मंथ में, द फॉलोइंग ईयर में। क्लियर हो रहा बेटा, द फॉलोइंग ईयर में हम लोग इसको बदल देते हैं। आइए आगे देखते हैं, अगर आता बेटा एस्टरडे मॉर्निंग, इसको हम लोग बदलते हैं, जो एस्टरडे है पहले का उसे बदलते हैं प्रीवियस, मॉर्निंग उसको बेटा हम लोग प्रीवियस मॉर्निंग में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, प्रीवियस मॉर्निंग में बदल देते हैं, अर्थात पहले की सुबह में बदल देते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि कहां पर क्या बदलना है, ताकि हम लोग एग्जांपल देख सके। तो आइए फिर इससे संबंधित हम लोग उदाहरण देख लेते हैं।
He said, I had, sorry, I completed my work yesterday. I completed my work yesterday. ठीक है ना? I completed my work yesterday. आइए बेटा, सबसे पहले हम टेंस देखेंगे. पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ये बदल करके जाएगा पास्ट परफेक्ट में, had completed हो गया. प्रोनाउन देखेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ही के अनुसार बदलेगा अर्थात ही हो जाएगा. फर्स्ट पर्सन आई का पजेसिव केस माई है, तो ही का पजेसिव केस इज हो जाएगा. एस्टरडे अभी आपने देखा, अपनी सूची में देखिए, एस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे या द डे बिफोर. तो हम लोग बदल लेते हैं, ही सेड, कंजंक्शन लगा दैट, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क द प्रीवियस डे बदल गया बेटा. तो चलिए नोट कर लीजिए, एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग. ही सेड टू देम I will leave you now. I will leave you now. He said to them, I will leave you now. बेटा सबसे पहली बात तो हम will को बदलेंगे, क्योंकि यहां पर past tense है, तो बिल का हो जाएगा वुड, क्लियर हो गया. फिर आते हैं हम लोग आई को बदलते हैं. बेटा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ही के अनुसार बदलेगा, जो प्रोनाउन होता है वही यहाँ चला जाता है. कि वुड, लीव, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार. यहाँ पर दम है, तो इसी दम को उठा करके हम यहाँ कर देंगे. देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट है तो दम होगा, अगर सब्जेक्ट है तो बेटा दे होगा. आप तो जानते हैं कि वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, इसलिए यू सब्जेक्ट है, अतः देम हो जाएगा. नाउ को बदल देते हैं देन में. अभी आपने लिखा है ही टोल्ड देम, कंजंक्शन लगाता है, आई बदला ही के अनुसार ही वुड. बेटा आई के साथ विल है, तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ब बदली हुई है, इसलिए ही के साथ शुड हो जाएगा. ही शुड लीव यू, यू का हो जाएगा देम, नाउ का देम. एक एग्जांपल हो गया, दो हो गया बेटा. तीसरा एक और एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, आप इसको नोट करते चलिएगा. चलिए आई सेड दे हैड लर्न इट. चेंज कर देना चाहते हैं, चलो इसी के साथ. दे हैड लर्नड इट, उन्होंने इसे सीखा.
लास्ट नाइट। बेटा लास्ट नाइट आ गया ना, उन्होंने इसे सीखा कब सीखा, लास्ट नाइट की बात हो रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लास्ट नाइट किसमें बदलेगा। हाँ, टेंस सबसे पहले बदलिए हैड लर्नड, ये पास्ट परफेक्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रोनाउन बदलिए दे थर्ड पर्सन है नो चेंज, इट थर्ड पर्सन है नो चेंज। बेटा लास्ट नाइट बदल जाएगा किसमें, प्रीवियस नाइट में, किसमें, प्रीवियस नाइट में। तो बदल लेते हैं, तो आई सेड का सेड हुआ, कंजंक्शन लगाता है, दे का दे हुआ, हैड लर्नड, इट द प्रीवियस नाइट, दे हैड लर्नड इट द प्रीवियस नाइट। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मोहन सेड सी वाज रीडिंग ए बुक, सी वाज रीडिंग ए बुक एस्टरडे, तो भैया वाज रीडिंग का, अब बताइए हैड बीन रीडिंग, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, मोहन सेड का सेड हुआ, कंजंक्शन लगाता है। बेटा सी थर्ड पर्सन है नहीं बदलेगा, टेंस बदला, टेंस के अनुसार हैड रीडिंग ए बुक एस्टरडे का द प्रीवियस डे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी कड़ी में एक उदाहरण और देख लेते हैं। सी सेड ही केम टू मीट मी, आइए बेटा केम है पास्ट इंडिफिनिट, बदलेगा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड को, क्लियर। मी है फर्स्ट पर्सन, बदलेगा सी के अनुसार, ही है थर्ड पर्सन, नहीं बदलेगा, क्लियर। तो सी सेड का सेड हुआ, कंजंक्शन लगाता है, ही टेंस बदलिए हैड। आपने देखा था कि कम को हम लोग गो कर देते हैं, क्या हो गया, ही हैड गो टू मेट हिम, सॉरी हिम का क्या होगा, हार होगा, मी का हार होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि निकटता सूची शब्द को हमने बदला। अभी बेटा इसमें कुछ और नियम है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, शेष बचे नियम अगले पार्ट में। तो बेटा ये आपका रहा आठवा पार्ट, ये आठवा होना चाहिए बेटा। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे, नौवा पार्ट हमारा होना चाहिए पार्ट नौ में। तब तक के लिए आपका कार्य स्थगित किया जाता है। सभी बच्चों को जय हिंद।